बार एक ही नाम यहाँ से गया है, तो फिर जो ये स्थिति बनी है, ये स्थिति क्यों बन रही है? जब ये टिकट के बारे में सिलसिला चालू हुआ, सर्वप्रथम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गोगुंदा ए और बी की मीटिंग हुई, वो सभी ने मिलकर, जैसे हमारा मंडल अध्यक्ष, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषद, पंचायत, सभी ने मिलकर एक राय से प्रस्ताव पारित किया था कि हमारे यहाँ से मांगीलाल जी कराशा को ही उम्मीदवार हैं, दूसरे को हम स्वीकार नहीं करेंगे। उसके बाद जब जब हमारे नेता प्रवेशक के रूप में आए, मिस्त्री साहब आए, वीरेंद्र सिंह जी दो बार आए, गोगुंदा आए, उदयपुर आए, और हमारे वहाँ से पंजाब से जो पूर्व अध्यक्ष थे वो आए हैं, मंत्रीगण आए हैं, सभी ने जाकर कार्यकर्ताओं ने मांगीलाल जी की बात की एक ही। कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई कार्यकर्ता काम करता है तो उसका धर्म बनता है कि पहले पार्टी के अंदर काम करे, 5-10 साल काम करे और फिर पार्टी उसका निर्णय करे, तो बात समझ में आती है। मांगीलाल जी कराशा 5 चुनाव लड़े, 3 लगातार जीते हैं, मोदी लहर में मांगीलाल जी कराशा 3300 वोट से हारे, और पिछला जो चुनाव था मांगीलाल जी का, वो हारने का कारण ये कि मुझे टिकट दिया था मावली से, मैंने फार्म भी भर दिया था, उसके बाद मेरा टिकट कटा तो हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं की नाराज़गी बढ़ी। और कोई मांगीलाल जी हारने की वजह नहीं है कि ये लोगों की गलत धारणा, और वो भी मांगीलाल जी 4000 वोट से हारे हैं। आज जो पार्टी निर्णय कर रही है, हम पार्टी का निर्णय का स्वागत करते हैं, पार्टी की जो निर्णय पार्टी कर रही है हम उसके विरुद्ध नहीं है। एक तरफ आपका मावली विधानसभा है, 26,000 से हारी हुई सीट है, सलूम्बर विधानसभा है, 19,000 से हारी हुई सीट है, ऐसे कई सीटें जो 30,000-40,000 हारी हुई है और दो दो बार हारे हैं, वहाँ तो आप फैसला कर रहे हो, ऐसा भेदभाव क्यों? पार्टी कोई निर्णय करती है तो हमें स्वीकार है, वहाँ भी आप टिकट काट दीजिए, मावली काटिए, सलूम्बर काट दीजिए, कोई आपत्ति नहीं। अगर आपकी पार्टी लाइन ने कोई नियम बना रखे हैं, कोई पार्टी लाइन बना रखी है, तो हम उसका स्वागत करते हैं, पर ऐसा भेदभाव करेंगे तो गोगुंदा की जनता वो जनता है। आज दिन तक मैं 20 साल कांग्रेस जिला कांग्रेस का अध्यक्ष रहा देहात का, जब जब पार्टी ने, चाहे वो सम्मेलन हो, चाहे वो धरने हो, प्रदर्शन हो, गोगुंदा की जनता ने कोई मीटिंग आज दिन तक फेल नहीं की। कितनी बड़ी मीटिंग हो, राहुल जी गांधी आए होंगे, हमारे बड़े नेता आए होंगे, CM साहब आए होंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी आए, हमारे प्रभारी रंधावा साहब आए, सबकी मीटिंग में एक भी मीटिंग हमने कमजोर नहीं होने दी, और कोई गारंटी ले, मैं गारंटी लेता था कि मेरी जिम्मेदारी मीटिंग में सफल करूंगा। कार्यकर्ता भयंकर रोष है, मेरे घर पे कार्यकर्ता है कि जाला साहब हम आपको कहकर जा रहे हैं कि अगर आप मांगीलाल जी कराशा का निर्णय नहीं हुआ तो आप भूल जाना, कभी कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके यहाँ कभी हम आएंगे तो आप निमांस निकाल देना, तो आज मेरी परिस्थिति भी वो कर दी है, तो ऐसा अन्याय क्यों? हम तो कहते हैं पार्टी न्याय करे और न्याय होना चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं में इतना जोश है कि साहब मांगीलाल जी का फाइनल क्यों नहीं कर रहा, तो कार्यकर्ता इससे क्रोध में कि साहब 3 लिस्ट आ गई और मांगीलाल जी का, तो मुझे भी आज जवाब देना पड़ता, बार बार पूछे, मैं प्रदेश कांग्रेस का महासचिव हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है, कार्यकर्ता मुझे पूछेगा, जवाब देगा साहब आपकी पार्टी में आप क्यों नहीं बोल रहे हो, जिस आदमी ने मेहनत की उसको पार्टी को निर्णय करेगा, और मांगीलाल जी ग्रह से आज की तारीख में एक बात उम्मीदवार है और जीतने की तो गारंटी हम ले रहे हैं ना, कौन ले गारंटी, या तो गारंटी से बात कर रहा हूँ मैं, हमारे कार्यकर्ता पर भरोसा है, विश्वास है, आज कार्यकर्ता है, यही गोगुंदा विधानसभा कार्यकर्ता। तो कौन है जाला साहब जो अब आपकी गारंटी को नहीं मान रहा है? क्योंकि हम जो पिछला 2018 का चुनाव जब देखें, तो जब टिकट के लिए आवेदन जब करना था तो टिकट नहीं आया उससे पहले आप आवेदन करने पहुंचे थे, ये मैंने देखा, तब मैंने इंटरव्यू भी लिया था आपका, आपने कहा किंग मेकर की भूमिका में आप तब थे। आज अब कौन रोक रहा है आपको, कौन आपके इस काम में अड़ंगे लगा रहे हैं? उस टाइम हमको भरोसा था, विश्वास था कि हमने जो काम किया है, जो हमने जिलाध्यक्ष रखते हुए जो मैंने काम किया है, जो हमारे प्रेक्षक आएंगे, जो हमारे नेता थे उनको भरोसा था, तो उन्होंने कहा नहीं, आप लाल सिंह जी मांगीलाल जी का टिकट आप चिंता मत करो, हम टिकट इनका हो जाएगा, फॉर्म भरवा दो, तो ऐसा हम पे विश्वास करते थे। आज एक आदमी नेता अपनी वजह से हट धर्मी से कि नहीं मुझे दो, मुझे जीतना है, गोगुंदा से हार जाए चिंता नहीं, दूसरी सीटें हार जाए चिंता नहीं, मैं कैसे जीतूँ, ये पार्टी से अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ऐसे आदमी का आज मुझे बुलाकर पूछे ना, ऐसे मैं 20 साल से जिला कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, ऐसे मैं प्रदेश का महासचिव हूँ, आज मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा है, मुझे पूछना चाहिए, मैं बताऊँगा फैक्ट क्या, गलत क्या, सत्य क्या, ये क्या, ये क्या, मुझे पता है यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति
परिस्थिति क्या है, कैसे चुनाव होते हैं, हमको पता है यहाँ से। आज हमको नहीं पूछ रहे, पार्टी के अंदर हमको पूछना चाहिए। आज मैं भी प्रदेश को महासचिव क्यों बनाया, पार्टी ने कुछ मुझे भरोसा किया होगा, विश्वास किया, इसलिए मुझे महासचिव बनाया। तो आज मेरे से कोई आप बात ही नहीं कर रहे हो, जब मैं पूरी एरिया के बारे में जानकारी दूंगा, समझूंगा एक एक चीज़ कि आपकी किस वजह से आप क्यों देना चाह रहे हो, किस वजह से क्यों देना चाह रहे हो, मैं समझूंगा। हमसे कोई बात ही नहीं करना चाहता, हम तो पार्टी के वफादार हैं। टिकट कटने के टिकट मेरा काटा बाद मैंने पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं की, मैदान में चुनाव में खड़ा रहा मैं। हम तो वो कार्यकर्ता सिपाही हैं जो पार्टी ने हमें 20 साल से ताकत दी, हमने पार्टियों को कमजोर नहीं होने दिया। पर आज क्या परिस्थिति है पार्टी को कमजोर करना चाह रहे हैं? आपने जैसा बताया कि विधानसभा क्षेत्र के लोग आपसे आके कह रहे हैं कि टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं, 3 लिस्टें जारी हो चुकी है, एज ए पीसीसी महासचिव, आपकी आगे फिर किसी से बात हुई, क्या आश्वासन मिला? मैंने जितने हमारे प्रभारी थे, जितने हमारे नेता थे, जिनसे मेरे से फ़ोन से बात हुई उनको अवगत करा दिया, जिनसे मेरे बात नहीं हुई उनको मैंने किलवा दिया, उनके पी ए साहब को किलवा दिया कि साहब ये सीट अगर जीतेगी तो मांगीलाल जी ग्रहशाह के अलावा ये सीट कोई जीत नहीं सकता। मैंने और मैं गारंटी के साथ मैंने कहा, जो जो हमारे स्क्रीन कमेटी में महेंद्र जी माल्या मेंबर थे, जैसे उनको ही मैंने अवगत कराया, जो जो नेता थे उनको सबको अवगत कराया। मैंने कहा सर ये परिस्थिति मैं बता रहा हूँ और आप नहीं करोगे तो फिर पार्टी जो भी निर्णय करे वो पार्टी का, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो आपके सामने एक तरीके से निर्णय ले लिया, जैसा कि मैंने देखा सब लोग कह रहे हैं कि अगर टिकट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम निर्दलीय चुनाव लड़वाएंगे। और इस्तीफे भी उन्होंने आज प्रभारी को सौंपे हैं कि अगर नहीं दिया तो आप इनको इस्तीफे मान लेना। तो ऐसी स्थिति में आपका स्टैंड क्या रहेगा तब? हमारी तो मैं तो एक पार्टी का वर्कर हूँ, पार्टी निर्णय करती है, एक लाइन में पार्टी को निर्णय उसका स्वागत करते हैं, पर पार्टी निर्णय नहीं कर रही है, पार्टी भेदभाव कर रही है।